सभी कुपवारा की आवाम का मशकूर हूँ कि जो ईद पे प्रॉपर SOPs और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया गया और जो ईद नमाज जो है बड़े पुरामन तरीके से और महजब तरीके से हम लोगों ने अदा की। इसके लिए जो मेरी आवाम है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की, फिर एक बार मुबारक के मुस्तक हैं और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स का ताल्लुक है, इसमें मैं आज पहले वैक्सीनेशन से शुरू करूँगा, जो कि हमने 75% ऑलरेडी क्रॉस की है। इस वक्त हमारे 76.17% है जो फिज़िकली हमने यहाँ पे की है, और पोर्टल और हमारी फिज़िकल में 1.5% का भी डिफरेंस है जो अपलोड हो रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाके में होती है जहाँ पे कनेक्टिविटी नेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो वो बाद में अपलोड होता है। तो और जो पॉजिटिविटी रेट है, जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि 0.29% है, वो भी काफ़ी तसल्लीबख्श है। और हमारी जो है रिकवरी रेट जो है 98.5% है, तो वो भी काफ़ी तसल्लीबख्श है। और इस वक्त जो एक्टिव केसेस कुल डिस्ट्रिक्ट में 53 केसेस हैं, जिनमें से हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ 4 केसेस एडमिट हैं, जिनमें से 2 केसेस हाई ऑक्सीजन फ्लो पे और 2 लो फ्लो पे हैं। और अभी मैंने अपने अब्दुल गनी डॉक्टर साहब जो हैं हमारे SDH के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, इनको हमने इंचार्ज का बनाया है इसका SDH का। ये कह रहे थे कि अभी उनको बाजाबता ऑडिट होगा, उनको जो स्पेशलिस्ट टीमें जो हैं उनको चेक करेंगी सभी 4 को, जिसमें जो